देर आर टू परस्पेक्टिव्स। आपको मैं कहानी सुनाती हूँ। दो सेल्समैन अफ्रीका भेजे गए और कहा कि जाओ जाके शूज सेलिंग करो। तो वो व्यक्ति गया वो उस कंट्री में, तो उसने कहा, उसने ईमेल भेजी अपने बॉस को, मुझे जल्दी वापस बुलाओ, यहां से जल्दी वापस बुलाओ। क्या हो गया? बोले इस कंट्री में तो कोई जूता ही नहीं पहनता, तो मैं जूते क्या बेचूं, मैं जूता बेचने आया था, यहां तो कोई कंट्री में जूता ही नहीं बेचता, प्लीज कॉल मी बैक। दूसरा सेल्समैन भी गया, उसने भी यही देखा, उसने देखा कि यहाँ कोई जूता नहीं पहनता, उसने ईमेल भेजा, मुझे ट्रक लोड्स ऑफ जूते भेजो, यहाँ कोई जूता नहीं पहनता, मैं खूब जूतों को बेच सकता हूँ यहाँ, आई कैन सेल। सो इट्स एन एटीट्यूड। वन सेल्समैन सेज नोबडीज आई, देयर इज नो प्लेस टू सेल। द अदर सेल्समैन सेइंग इट्स ऑल प्लेस टू सेल। इट्स एन एटीट्यूड। जितना जैसे हम सोचेंगे, कोविड भी एक एटीट्यूड है। ये हम इसे दुखी भी हो सकते हैं, हम इसे परेशान भी हो सकते हैं, और इसको एक रिन्यूअल का टाइम भी सोच सकते हैं कि मैं इसको डील कैसे करूं। इट्स एन एटीट्यूड, व्हाट कैन आई डू विद व्हाट आई हैव, रादर देन व्हाट आई कांट डू बिकॉज आई डोंट हैव दैट। इफ यू डू हैव दिस एटीट्यूड, व्हाट कैन आई डू विद व्हाट आई हैव, देन यू लुक एट योर एसेट्स, काउंट योर ब्लेसिंग्स। जिंदा हो बहुत अच्छी बात है, सबसे बड़ी बात आज आप तंदुरुस्त हो, जीवन है, हेल्दी हो। अगर आप हेल्दी हो, जीवन है, तो आपके पास अभी सब कुछ है, क्योंकि हाथ बार चलाओगे, सोच लगाओगे, कुछ ना कुछ करोगे। हाँ, बड़े अमीर नहीं बन सकते, अभी बहुत सारे लोग इंप्लॉय नहीं कर सकते, जीवन है ना, कितना चाहिए अपने लिए उतना आप कमा लोगे, आप उतना सोच लोगे। तो ये नई सोच ऑफ रहने की, सोचने की, करने की, इट्स अ होल रेवोल्यूशन, इट्स कॉल्ड द होल ट्रांजैक्शनल वैल्यू सिस्टम। अपने सारे वैल्यू सिस्टम को देखो, आपका बिहेवियर पहले कैसे था, अब कैसे है। सो इट्स अ टाइम टू रिफ्लेक्ट एंड टाइम टू बिल्ड फ्रॉम वेयर यू वर। इफ यू आर सेंसिबल, देन यू विल से यू विल बी एबल टू मूव फॉरवर्ड एंड प्रिपेयर फॉर द टाइम्स अहेड। बट इफ यू आर वरीड, देन यू विल ओनली गेट इनटू डिप्रेशंस। बट लेट्स नॉट गेट इनटू नेगेटिविटी। वी डोंट हैव अ चॉइस। हमने नहीं इस बीमारी को बुलाया, हमारी गलती से नहीं आया, लेकिन जो है सो उसको कबूल करके आगे चले।